वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पर्यावरण क्या है और पर्यावरण में कौन से और कैसे क्वेश्चन और आंसर पूछे जाएंगे। सो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि BA थर्ड ईयर का जो पर्यावरण का एग्ज़ाम है वो आपका जल्द ही सैटरडे को होना है। ओके, सो दोस्तों चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है। सो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हमारा नोटिफिकेशंस आपको मिस ना हो और आपको अपडेट सबसे पहले मिले। सो दोस्तों, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई में। ओके, जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय है वो भारत के चेन्नई में स्थित है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक क्या है, या रेड डाटा बुक क्या है। तो चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। ओके, तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विलुप्त। ओके, विलुप्त होने की कगार पर खड़ी संकट ग्रस्त पौधों और पशुओं की सूची। तो ये जो है खड़ी संकट ग्रस्त पौधों और पशुओं की सूची, ये है रेड डाटा बुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा निकाली जाती है। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि IUCN, IUCN, और इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्सेशन ऑफ नेचर के द्वारा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इसमें शॉर्ट भी, मैं आपको फुल डिटेल्स बता रहा हूँ, आपके जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आपको शॉर्ट भी दे सकता है ऑप्शंस में कि IUCN। ओके, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्सेशन ऑफ नेचर का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि IUCN का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ग्लैड स्विट्जरलैंड। ओके, ग्लैड स्विट्जरलैंड में। ओके, तो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया। रेड डाटा बुक को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1966 ईस्वी में रेड डाटा बुक को पहली बार प्रदर्शित यानी कि विकसित किया गया। सो दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीवों को किस रंग में दर्शाया गया है। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पिंक, यानी कि पिंक का मतलब आप समझते हैं गुलाबी। ओके, पिंक में दर्शाया गया है। सो दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन से दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 2011 से सन 2020। ओके, सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामसर संधि किससे संबंधित है, यानी कि राम संधि किससे संबंधित है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आर्द्र भूमियों संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित है, कि रामसर संधि जो है आर्द्र भूमियों संरक्षण व संवर्धन से संबंधित है। सो दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है। विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 2 फरवरी, विश्व आर्द्र दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। कि और फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है 22 मार्च को, जो विश्व जल दिवस है ये मनाया जाता है आपको 22 फरवरी को। तो दोस्तों, ये जो शॉर्ट हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, तो ये इनको आपको ज़रूर याद कर लेना। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है 22 अप्रैल। ओके, और विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो गाइस, इसका राइट आंसर है 22 मई। ओके, तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे ही आपको डेट जो है डेट याद कर लेना है, और मंथ जो है मंथ याद कर लेना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि पर्यावरण का एग्ज़ाम है और ये ज़रूर आएगा कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका 5 जून। ओके, सो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 5 जून। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 26 नवंबर। ओके, तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी